गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सर मनीष आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि हम लोग हमारे 7th चैप्टर जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का था उसमें हम लोग चल रहे थे, और आज हम लोग जो हमारा टॉपिक है वो है रियल एग्जीक्यूटिव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर हमने देख लिया लास्ट वीडियो लेक्चर में, देखते हैं इसमें क्या है। पार्लियामेंट्री रूल हैज़ ऑल्सो बीन सेटअप इन द स्टेट्स by the constitution and in the parliamentary system the real executive power of the state lies in the council of minister which is accountable to the legislative assembly। देखिए parliamentary rule जो है वो states के अंदर भी है, संविधान ने states में भी parliamentary rule जो है वो impose किया हुआ है। और parliamentary system में आपको पता है real executive जो होता है power वो सारा states का जो है वो council of ministers के अंदर lies करता है, और इसीलिए वो अकाउंटेबल भी होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति। देखें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ स्टेट, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले है अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ अ स्टेट। किसी भी राज्य के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अगर फॉर्म करना है तो सबसे पहले उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट। आर्टिकल 164 स्टेट्स दैट द गवर्नर विल अपॉइंट अ चीफ मिनिस्टर एंड देन अदर मिनिस्टर्स विल बी अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। आर्टिकल 164 कहता है कि गवर्नर जो है वो एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना करके नियुक्त करेगा और उसके बाद में ही सारे जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं उनकी नियुक्ति चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर जो है वो गवर्नर करेगा। द ट्रेडिशन इन द रिगार्ड इज़ दैट द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी एज चीफ मिनिस्टर इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और सिस्टम भी उसके लिए यही है कि गवर्नर उसी व्यक्ति को जो है वो मुख्यमंत्री बनाता है जो पार्टी का लीडर मेजॉरिटी से इलेक्शन के अंदर जीता हो, उसी को लेजिस्लेटिव असेंबली का लीडर घोषित किया जाता है। सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स आर सिलेक्टेड बाय द चीफ मिनिस्टर ओनली एंड ही गिव्स द लिस्ट ऑफ मिनिस्टर्स विद नेम्स एंड डिपार्टमेंट्स टू द गवर्नर। देखिए बाकी जो भी चीफ मिनिस्टर जो है वो मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करता है और उनकी लिस्ट जो है वो डिपार्टमेंट के नाम के साथ में गवर्नर को देता है। इट इज़ अ प्रिविलेज ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये एक बहुत ही अच्छी मतलब जो है वो बात है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नियुक्त करने का काम है वो चीफ मिनिस्टर ही करता है। नेम्स ऑफ मिनिस्टर्स इन द कैबिनेट आर डिसाइडेड ओनली बाय द चीफ मिनिस्टर। और कैबिनेट के अंदर किन किन को रखना है वो नाम भी जो है वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा ही तय किया जाता है। द साइज ऑफ कैबिनेट हैज़ बीन लिमिटेड अप टू 15% ऑफ नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द 91 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 91 संविधानिक संशोधन के तहत जो कैबिनेट की जो साइज़ है उसको लिमिट किया हुआ 15% का, जितने भी सदस्य लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं उसके 15% सदस्य जो हैं उतने ही जो है वो मिनिस्टर्स बन सकते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। ये एक 91 संविधानिक संशोधन के अंदर ये निर्णय किया गया था। फॉलोइंग फैक्ट्स आर कैप्ट इन माइंड बाय द चीफ मिनिस्टर वाइल सेलेक्टिंग द मिनिस्टर। और जब भी कभी किसी मिनिस्टर को सेलेक्ट किया जाता है तो चीफ मिनिस्टर कुछ बातों को अपने दिमाग में मस्तिष्क में जरूर रखता है। देखें क्या है वो, इन अ कंसिस्टेंट मैनर ऑल रीजन्स एंड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन द स्टेट हैव गॉट रिप्रेजेंटेशन इन द कैबिनेट। सबसे पहली चीज़ तो कैबिनेट के अंदर हर वर्ग को और हर क्षेत्र को जो है वो पूरी तरीके से मौका दिया जाए। दूसरा, जनरली द चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट्स द कैबिनेट फ्रॉम हिज ओन पार्टी मेंबर सो दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन एक्ट एज अ सिंगल यूनिट। और दूसरा जो है वो चीफ मिनिस्टर जिसको भी कैबिनेट के अंदर लेता है वो उसी के जीते हुए पार्टी के सदस्यों में से ही लेता है ताकि पूरी जो टीम है उसकी काम करने वाली वो एक सिंगल यूनिट के रूप में काम कर सके। तीसरा अपन देखें पॉइंट, क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर्स, क्या योग्यता होती है। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल द मिनिस्टर्स टू बी अ मेंबर ऑफ एनी हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। इफ़ अ मिनिस्टर इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट देन इट इज़ नेसेसरी फॉर हिम टू गेट द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेचर विद इन 6 months ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। अगर किसी भी व्यक्ति को मिनिस्टर घोषित कर दे चीफ मिनिस्टर तो उसको
लेजिस्लेचर के दोनों हाउस में से किसी भी एक सदस्य का मेंबर होना जरूरी है। अगर वो मेंबर नहीं है तो जब से उसको घोषित किया है मिनिस्टर, उसके 6 महीने के अंदर अंदर ही उसको दोनों हाउस में से किसी एक की सदस्यता लेना अनिवार्य है। फेलिंग टू डू सो द मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन फ्रॉम द कैबिनेट। और अगर 6 महीने के अंदर अंदर वो ये नहीं कर पाया कि दोनों सदनों में से किसी की भी सदस्यता ले, तो उसकी कैबिनेट की जो मिनिस्ट्री है वो ऑटोमेटिकली जो है वो जो रिजाइन रिजाइन हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। चौथा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमॉन्ग्स मिनिस्टर्स। द गवर्नर डिस्ट्रीब्यूट्स द पोर्टफोलियोज टू मिनिस्टर्स ऑन द एडवाइज ऑफ चीफ मिनिस्टर। अ मिनिस्टर ऑफन होल्ड्स द अथॉरिटी ऑफ अ सिंगल डिपार्टमेंट, बट समटाइम्स ही कैन कीप चार्ज ऑफ मोर देन वन डिपार्टमेंट ऑल्सो। और जो गवर्नर है वो चीफ मिनिस्टर के सजेशन पर ही मिनिस्टर्स बाकी जो कैबिनेट के या मिनिस्टर्स हैं उनको डिपार्टमेंट देने का काम जो है वो गवर्नर करता है, लेकिन उसके लिए एडवाइस करने का काम चीफ मिनिस्टर करता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक मिनिस्टर के पास में 2 या 3 पोर्टफोलियो का जो है वो लोड भी हो। पांचवा पॉइंट है ओथ टेकन बाय द मिनिस्टर। शपथ ग्रहण कैसे होती है, देखिए। बिफोर अज्यूमिंग द ऑफिस मिनिस्टर्स हैव टू टेक 2 टाइप्स ऑफ ओथ्स बिफोर द गवर्नर। अपने पदभार ग्रहण करने से पहले हर मिनिस्टर को 2 शपथ जो है वो गवर्नर के सामने, राज्यपाल के सामने लेनी पड़ती है। पहली है फॉर डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज ऑफ पोस्ट, कि जिस पोस्ट के ऊपर मैं अभी अपना कार्यभार संभालने वाला हूँ उसके प्रति मैं पूर्ण श्रद्धा से अपना निर्वहन करूँगा कार्य का। और दूसरा है फॉर सीक्रेसी, यानी गोपनीयता, यानी इस पद पर बने हुए या बने रहते हुए मैं अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य का जो है वो मतलब बाहर कोई ऐसी चीज़ जो है वो शेयर नहीं करूँगा, गोपनीयता का पूरा ध्यान रखूँगा। छठा पॉइंट है कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट ऑल्सो। 3 प्रकार के ही मिनिस्टरों का जो है वो यहाँ पर भी प्रावधान है, जैसा सेंट्रल में होता है। पहला है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा है मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, और तीसरा है डेप्यूटी मिनिस्टर। देखिए 3 प्रकार की मिनिस्ट्री है, देखें इसको। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर द कैबिनेट मिनिस्टर, सबसे महत्वपूर्ण जो है इसमें वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज़ कलेक्टिवली डिसाइडेड बाय द कैबिनेट ओनली, और सरकार की हर नीति का जो निर्वहन या उसका जो भी नियंत्रण करने का काम है वो कैबिनेट के द्वारा ही होता है। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स आर एट द सेकेंड लेवल, और जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं वो सेकेंड लेवल पे होते हैं। सब मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट आर गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट टू, और कुछ स्टेट मिनिस्टर्स को स्वतंत्र रूप से जो है वो सरकार के अंतर्गत कोई डिपार्टमेंट भी सौंपा हुआ हो सकता है। एंड देयर आर डेप्यूटी मिनिस्टर रैंक्ड आफ्टर द मिनिस्टर ऑफ स्टेट विच वर्क एज असिस्टेंट मिनिस्टर टू द कैबिनेट मिनिस्टर। और उसके बाद में जो तीसरा पद है वो है डेप्यूटी मिनिस्टर का, और वो जो है वो असिस्टेंट मिनिस्टर्स के रूप में काम करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के। 7वां पॉइंट जो है वो है टेन्योर ऑफ अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इनका कार्यभार कितने मतलब समय का होता है। द टेन्योर फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड, इनका कार्यभार जो है वो फिक्स नहीं है। अ मिनिस्टर रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज ही एन्जॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजोरिटी इन द असेंबली, यानी वो अपने पद पर तब तक रह सकता है जब तक उसकी जो है वो मेजोरिटी असेंबली के अंदर बनी रहे। जनरली द मैक्सिमम टाइम फिक्स्ड फॉर द टेन्योर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज 5 ईयर, लेकिन संविधान के तहत जो है वो किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर की कार्यभार की जो समय सीमा है वो 5 वर्ष तय की गई है। बिकॉज द टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज ऑल्सो 5 ईयर, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है अपनी विधानसभा है उसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का है। 8वां है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखें उत्तरदायित्व के लिए क्या लिखा गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इफ लेजिस्लेटिव असेंबली पासिस नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट एनी मिनिस्टर और रिजेक्ट्स एनी बिल प्रपोज्ड बाय एनी मिनिस्टर, द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इन सच अ कंडीशन। देखिए अगर लेजिस्लेटिव असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए किसी भी मिनिस्टर के खिलाफ,
या रिजेक्ट करे किसी भी बिल प्रपोज को जो किसी मिनिस्टर के द्वारा दिया गया है, तो इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो उसको उस कंडीशन के अंदर अपने पद से जो है वो त्याग पत्र देना पड़ता है। सैलरी एंड अलाउंसेस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट सैलरीज ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स। संविधान के आर्टिकल 164 उसका भाग 5 वो डिसाइड करता है कि जो भी मेंबर्स की सैलरी है, जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की सैलरी है, वो स्टेट लेजिस्लेचर जो है विधायिका जो है वो ही तय करेगी और वो राज्य विधायिका ही तय करती है। मोड्स ऑपरेंडी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या अर्थ है। द कैबिनेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। डिसीजन रिगार्डिंग वेरियस इंपॉर्टेंट इश्यूज इन ओनली टेकन इन द मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट यूजली हेल्ड वीकली। जो कैबिनेट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मुख्य भाग है और इसके अंतर्गत जो भी इश्यूज के ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं वो मीटिंग्स के अंदर ही लिए जाते हैं, जो कि प्रत्येक सप्ताह रखी जाती है। बाय द वे, चीफ मिनिस्टर कैन कन्वे इट्स मीटिंग वेन एवर ही नीड्स। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब चीफ मिनिस्टर को ज़रूरत पड़ जाए वो मीटिंग अपनी बुला सकता है। दीज मीटिंग्स आर प्रिसाइडेड ओवर बाय द चीफ मिनिस्टर एंड बाय द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर इन द एब्सेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। इन मीटिंगों को प्रिसाइड करने का काम मुख्यमंत्री ही करता है। अगर मुख्यमंत्री अवेलेबल नहीं है तो जो चीफ मिनिस्टर्स की एब्सेंस में जो भी सीनियर मिनिस्टर होगा वो ही उस मीटिंग्स को प्रिसाइड करने का काम करेगा। देर इज़ नो क्वेरम रिक्वायर्ड फॉर दीज मीटिंग्स। इन मीटिंग्स के लिए किसी भी प्रकार के क्वेरम की सदस्य संख्या की ज़रूरत नहीं होती। देर आर टू मेजर रूल्स फॉर द प्रोसीडिंग ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट को प्रोसीड करने के लिए दो मेजर रूल्स हैं, देखें आप। पहला है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सीक्रेसी। पहला जो है वो मैंने अभी आपको बताया था। देखिए विधानसभा के प्रति जो है वो ये पूरी तरीके से उत्तरदायी तो होते हैं, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ है अगर एक मंत्री के खिलाफ किसी भी प्रकार का नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो पूरी जो है वो कैबिनेट को ही डिसॉल्व किया जाता है। और दूसरा है सीक्रेसी यानी गोपनीयता। जनरली ऑल द डिसीजंस इन द कैबिनेट आर टेकन अनानिमसली। इसीलिए जो भी डिसीजन होते हैं कैबिनेट की वो अनानिमस लिए जाते हैं। इन द केस ऑफ डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन एंड दिस डिसीजन इज कंसिडर्ड एज अ कलेक्टिव डिसीजन ऑफ ऑल द मिनिस्टर्स। इसीलिए जो भी डिसीजन लिया जाता है उसको मतलब एक मिनिस्टर ने डिसीजन ले लिया तो ऑटोमेटिकली सारों का ही डिसीजन उसको माना जाता है। ओथ ऑफ सीक्रेसी इज टेकन बाई ईच मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और सभी मंत्री जो हैं वो गोपनीयता की शपथ जरूर लेते हैं। द प्रोसीडिंग एंड डिसीजन्स ऑफ कैबिनेट आर कैप्ट सीक्रेट। जो भी प्रोसीड करना और डिसीजन जो हुए वो हमेशा कैबिनेट के सीक्रेट रखे जाते हैं। अब देखते हैं अपन पावर एंड फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या हैं पावर्स और फंक्शन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। ऑल दो द वर्क ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज मैंशन इन आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू हेल्प एंड एडवाइज द गवर्नर ओनली। सबसे पहला जो काम है, देखिए जो मुख्य काम है आर्टिकल 163 में भी लिखा है संविधान के कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मुख्य काम यही है गवर्नर को जो है वो हेल्प करना और एडवाइज करना। बट द एक्चुअल सिचुएशन इज़ वेरी अपोजिट टू इट। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो इसके बिल्कुल विपरीत है। ऑल द पावर्स गिवन टू गवर्नर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग टू द गवर्नेंस इज प्रैक्टिकली यूज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वास्तव में देखा जाए तो गवर्नर के द्वारा जो भी चीज़ें इंजॉय की जाती है वो सारे काम को जो करना है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टेक ऑल द important decisions related to the governance and the chief minister briefs the governor about all these decisions। यानी सारे निर्णय लेने का कार्य जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करते हैं और चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर को उन सारे लिए गए निर्णयों के बारे में जाकर के बताता है। देखिए पहला फंक्शन सेटिंग द रूल ऑफ गवर्नेंस। पहला काम है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ टू सेट अ रूल ऑफ गवर्नेंस वेदर इट इज़ अ होम डिपार्टमेंट एजुकेशन हेल्थ और एग्रीकल्चर। द पॉलिसी ऑफ गवर्नेंस इज डिटरमाइंड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। देखिए जो निर्णय लेने का कार्य है रूल बनाने का कार्य है चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही होता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नॉट ओनली डिसाइड द पॉलिसी बट ऑल्सो ट्रांसफॉर्म इट इन टू एक्शन।
वो पॉलिसी बनाने का कार्य ही नहीं करते, बल्कि उसको संचालित करने का कार्य जो है वो भी जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करते हैं। दूसरा पॉइंट अपन देखें, एडवाइज टू गवर्नर रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑन हायर पोस्ट। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑडिटर जनरल एंड अदर हाई रैंक्ड ऑफिशियल्स। जो गवर्नर है वो चेयरमैन जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का है, ऑडिटर जनरल है या हाई रैंक्ड ऑफिशियल्स है, उनकी नियुक्ति करता है, लेकिन उसके लिए जो सलाह देने का काम है वो कौन करता है, वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करता है। इन प्रैक्टिस ऑल दीज अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तीसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नेंस इन द लेजिस्लेचर, यानी उत्तर जो सरकार का निर्वहन है उसका रिप्रेजेंटेशन भी लेजिस्लेचर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं। कैसे? द मिनिस्टर आंसर द क्वेश्चंस एंड क्रिटिसिज्म मेड बाय द मेंबर बाय रिमेनिंग प्रेजेंट एंड सपोर्टिंग गवर्नेंस पॉलिसीज इन द असेंबली। मिनिस्टर जो है वो सारे प्रश्नों का जवाब देते हैं, क्रिटिक्स का फेस करते हैं, जो भी मेंबर अगर प्रश्न जो बाकी असेंबली के अंदर मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनके प्रश्नों का सवाल लोगों का जवाब जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही देता है। चौथा पॉइंट है डिसाइडिंग लेजिस्लेशन बिल्डिंग प्रोग्राम। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नॉट ओनली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ लेजिस्लेशन मेकिंग, बट ऑल्सो डिसाइड द टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ द बिल इन दे आर प्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के अंदर जो भी बिल वगैरह आने का, प्रस्तुत करने का, जो निर्णय लेने का कार्य है वो भी आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही करता है। पांचवा और आखिरी पॉइंट जो है वो है बजट प्रिपरेशन। एनुअल बजट ऑफ द स्टेट इज प्रेजेंटेड इन असेंबली बाय द फाइनेंस मिनिस्टर बिफोर द बिगिनिंग ऑफ फिस्कल ईयर। यानी जो भी वार्षिक बजट प्रस्तुति का कार्य है वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जब किया जाता है नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, तो देखिए क्या होता है, दिस बजट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी डिसाइडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली टू गेट द बजट पास्ड। देखिए ये बजट जो तैयार करने का कार्य है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा डिसाइड की गई पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही होता है, और बजट को पास करवाना या पास हो इसका निर्वहन, इसका उत्तरदायित्व पूरा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही है, इसलिए वो इस प्रकार से ही बजट बनाते हैं ताकि वो बजट पास हो सके। तो ये हमने आज देखा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फॉर्मेशन और उसके पावर एंड फंक्शंस। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे चीफ मिनिस्टर के बारे में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।